मौजूद है मोहसिन फूड्स। यहाँ पे आज क्योंकि हम थोड़ा सा यूनिक सा करते हैं, आपको पता है, बट आज जन्नत की थोड़ी तबीयत डाउन है, बट वो आपको फूड के रिव्यू में मिलेंगी। तो बस यहीं पे हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आपको सब कुछ दिखाने वाले, चाइनीज फास्ट फूड और क्या कहते हैं बारबेक्यू वगैरह, क्या कहते हैं देसी फूड्स वगैरह। सो लेट्स गो, चलते हैं अंदर। अंदर जैसे बोलेंगे अगर जी। तो भाई हम लोग अभी मौजूद हैं अल मोहसिन फूड के मैनेजर के साथ। अब इनसे हम आपको थोड़ी सी डिटेल लेकर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई यार? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे यहाँ का आप बताएं कि आपके पास क्या क्या है। हमारे पास जो है वो सारी वैरायटीज मौजूद है। कोई फास्ट फूड का शौकीन है तो वो यहाँ आ सकता है, कोई बारबेक्यू खाना चाह रहा है तो वो भी आ सकता है, किसी को कढ़ाई खानी है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, किसी को पिज्जा खाना है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई चाइनीज का शौकीन है तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। सारी वैरायटीज मौजूद है। देसी फूड भी आपके पास? देसी भी है, चाइनीज भी है, फास्ट फूड भी है, सारी वैरायटीज। अच्छा मुझे बताएं आपकी जो प्राइसेस शुरू हो रहे हैं कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे जाके एंड हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे लिमिट ये है कि यहाँ पे खत्म है? प्राइसेस की बात करें हम, देखें प्राइसेस हमारे इतने हाई नहीं, अगर आप एज अ कम्पेयर टू इसको किसी भी सिटी रेस्टोरेंट से करते हैं या किसी हाईवे के रेस्टोरेंट से करते हैं तो हमारे प्राइस बहुत कम है। जो हमारा जिंगर बर्गर है जो मोहसिन फूड की पहचान है तो वो 430 का है सिर्फ। अगर कोई कढ़ाई खाना चाह रहे, देसी खाना चाह रहे कढ़ाई में, तो हमारी शाही कढ़ाई है, ग्रेवी वाली कढ़ाई होती है, वो 1700 की है। तो अगर कोई बारबेक्यू में लेना चाह रहा है तो टिक्का हमारा 380 का। अच्छा, है। चले आपने ये सब सिंगल तो बता दिया, अभी बताएं आपके पास प्लेटर्स भी होते हैं? जी हमारे पास एक तरह का नहीं, प्लेटर्स तीन तरह के प्लेटर्स मौजूद हैं। दो बारबेक्यू प्लेटर्स हैं और जो तीसरा प्लेटर्स हमने बनाया वो फैमिली प्लेटर बनाया हुआ है। okay. उसमें आपको फास्ट फूड भी मिलता है और बारबेक्यू भी मिलता है, मतलब मिक्स प्लेटर। अच्छा, आपने जो बताया कि थर्ड प्लेटर तो कितने परसेंट का होता है? वो होता है 7 to 8% के लिए होता है, 3600 रुपए उसके प्राइस। 7 to 8% आराम से उसको खा सकते हैं क्योंकि उसमें क्वान्टिटी इतनी है। और क्या चाहिए ये बताएं, जो आपके अभी रूफ टॉप है यहाँ पे कोई इवेंट करना चाहे तो लाइक हो सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी सारे जब से हमने रेनोवेट किया है यहाँ पे इवेंट्स ही अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और डेली बेसिस पे इवेंट्स होते हैं। आज भी हमारे पास 2 रिजर्वेशन है तो उनका टाइमिंग 10 से 11 बजे तक की टाइमिंग है, वो आ जाएंगे। और डेली बेसिस पे किसी को बर्थडे का करवाना है, किसी को एनिवर्सरी का करवाना है, किसी को यहाँ तक एंगेजमेंट मेहंदी का भी करवाना है तो वो भी यहाँ पे हो अच्छा, सकता है। यहाँ पे कितने पर्सन की वो है? यहाँ पे जो स्पेस है हमारे पास 2 पोर्शन है, जिस पोर्शन में हम लोग खड़े हुए हैं ये 100% की स्पेस है। okay. अगर हमारा बाहर वाला पोर्शन है तो वो 70% की स्पेस है। और अगर दोनों को मिलाए तो 170। अगर कोई कस्टमर कहता है जी हमारे 150% हो रहे हैं तो हमें दोनों हॉल चाहिए तो हम दोनों हॉल भी उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा लोकेशन बताएं। लोकेशन आप गुलशन में मार आएंगे, गेट नंबर 2 से जैसे एंटर होंगे सेक्टर Z2 बिल्कुल सामने आपके मोहसिन फूड। अच्छा ये बताएं, जो कोई इवेंट करवाता है जो इसको ऑर्गेनाइज होता है वो ऑर्गेनाइजर आप लोग करके देते हैं या फिर वो अपना खुद लेकर आए? नहीं, हम अगर वो हमसे करवाना चाह रहा है तो हमारे पास सारी वैरायटीज मौजूद हैं, सारे इवेंट प्लानर्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, हम पूरी तरह कस्टमर को कोशिश करते हैं कस्टमर सेटिस्फाइड होकर जाए, मुतमिन होकर जाए, और 100 में से 90% हमसे ही करवाते हैं। 90% जो कस्टमर होते हैं वो हमसे ही अपना इवेंट करवाते हैं। अगर कोई बाहर से करवाना चाह रहा है, कोई डेकोर करवाना चाह रहा है तो हम रोकते अच्छा, नहीं। ऑनलाइन का कोई सिस्टम है आपका? ऑनलाइन हमारे पास हमारी वेब भी मौजूद है और हमारी ऐप भी मोहसिन फूड के नाम से प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। हमारी ऐप भी बनी हुई है और फेसबुक पे मोहसिन फूड के नाम से हमारा पेज भी है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं, आपको सारी वैरायटी। अच्छा कैटरिंग सिस्टम आपका? जी कैटरिंग सिस्टम भी है मैम। कैटरिंग सिस्टम में छोटे पैमाने पे नहीं है, बड़े पैमाने पे काम है क्योंकि मोहसिन फूड आप किसी से भी अगर चाहें तो जान सकती हैं कि मोहसिन फूड एक बड़ा नाम है गुलशन में मार। ओके, और अच्छा मतलब कोई ऑर्डर करवाना भी चाहे तो लाइक कितने दिन पहले आपको ऑर्डर दे, उसका प्रोसेस भी होता होगा? अच्छा ऑर्डर का अगर आपको अर्जेंट बेस पे, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आपकी कोई ऐसी तकरीब है कि आपको अर्जेंट में कोई किसी चीज़ का ऑर्डर देना है तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेटअप है, अगर आप 1 घंटे पहले भी बताते हैं ना तो बताते हैं तो आपको इंशाल्लाह वो चीज़ प्रोवाइड हम करेंगे। तो ये तो अच्छा है यार। अच्छा लोकेशन आपने बता दी, अच्छा कोई कांटेक्ट नंबर बता दें जिस पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सके और जो डिटेल्स आपने हमें दी वो आपसे पर्सनली ले सके। कांटेक्ट नंबर वैसे तो हमारी देखें ऐप मौजूद है, जिनको हमसे कांटेक्ट करना होता है वो वहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, एक हमारा मास्टर नंबर है, वो 03121178600। कोई भी अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे वो इस नंबर पे कॉल करेगा, हमारा एजेंट उससे बात करेगा, किसी भी तरह की रिजर्व करवानी हो, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर करवाना हो प्रॉपर उसको गाइड किया जाएगा। तो ओके, अच्छा ये मुझे बताएं जैसे ऐप के अलावा कोई बोलता है कि हमें ऐप नहीं मिल रही, हमें ऐप से नहीं करना लाइक, तो फिर उसको जो ऑनलाइन ऑर्डर करवाना हो जैसे? जी मैंने आपको बताया कि हमारा फेसबुक पे पेज बना हुआ है मोहसिन फूड के नाम से, आप उसको विजिट करेंगे, स्टार्ट ऑर्डर का एक बटन आ रहा है, स्टार्ट ऑर्डर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे,
पूरा हमारा मेन्यू ओपन हो जाएगा, सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्या ऑर्डर करना है क्या ऑर्डर नहीं करना, पूरी वेबसाइट बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, जैसे आजकल चल रहा है फूड पांडा का सिस्टम है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी ऐप बनी हुई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने देखा फुल लग्जरीज टाइप इन लोगों ने रेस्टोरेंट बनाया है और गुलशन है म्यांमार में, लाइक आप लोग सोच सकते हैं, बट बहुत अच्छा है। अभी हम आपको जन्नत, अच्छा जन्नत पहले बताएं आप क्या बोलेंगे उसके बारे में, एम्बियंस। पहली बात तो मेरा कहना खराब है तो आप वीडियो कट मत करेंगे, प्लीज सुन लीजिएगा। तो इस बार यहाँ पे आने का मेरा रीजन ये है कि यहाँ पर इतने ज्यादा फूड्स मिलते हैं, इतने ज्यादा फूड्स मिलते हैं। अच्छा ये बताएं आपका जो रेस्टोरेंट की टाइमिंग है वो क्या है नॉर्मल डेज में और अभी जो रमजान आ रहे हैं उसके डेज में? वैसे जो हमारी टाइमिंग से हमारा रेस्टोरेंट सुबह 11 बजे ओपन होता है और रात 1 से 1.5 बजे तक ओपन ही होता है आम दिनों में, और वीकेंड पे जो होता है 2 बजे तक हमारा रेस्टोरेंट ओपन है। अगर आप आते हैं रमजान शिफ्ट की बात करते हैं तो शाम 4 बजे से लेकर सुबह सहरी तक। जी भाई यहाँ पे कितने बंदों की सेटिंग है और आपका नाम? मोहम्मद वसीम। और टाइमिंग क्या है यहाँ की? इंतज़ार हुआ ख़त्म भाई, अब आ गई खाने की बारी। और खाना आते ही सबसे पहले नज़र आया पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े की डो तो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत मज़ेदार थी। ये है इनकी करंट बिरयानी, स्पेशल नाम है भाई करंट बिरयानी। अच्छा ये कढ़ाई भी थी, और ये है इनका बारबेक्यू प्लेटर, और इस प्लेटर में टिक्का थे, राइस थे, काफ़ी बारबेक्यू के आइटम्स थे, जिंगर बर्गर था, क्लब बर्गर सैंडविचेस थे, और सादी चिकन पैटी भी थी, और ये भाई बिरयानी, और ये रहा पिज़्ज़ा। अब बाकी देती हैं रिव्यू। जी तो भाई हमारा आ चुका है पिज्जा, इस बार पिज्जा तो आओ हम इसको ट्राई करते हैं, आप लोग का भी आगे ले रहे हैं। तो लगता है जनक ये चिकन कढ़ाई भी आ गई है और ये आ गया, मैं आपको करवाती हूं स्पेशल। ओह माय गॉड इतनी इज्जत आई है, ये पुलाव और ये पिज्जा और ये छोटा। जी मेरा काम बाकी आपका काम। जी तो भाई हमारे पास है सैंडविच, बर्गर, ब्रोस्ट और क्या कहते हैं चिकन, और ये हमारे पास उल्लू कबाब है, ये फ्राइज है, और ये पिज्ज़ा है, और ये कढ़ाई है, और राइस है। तो बहुत सारे आइटम्स हम सारे खा कर फिर आपको एंड में बताएंगे कैसा है। भाई खाना बहुत मज़ेदार था, जिसको देख सकते हैं कि क्या टेबल की हालत है, कुछ भी नहीं बचा है, और खाना बहुत मज़ेदार था, ज़बरदस्त खा के मज़ा आया। जी तो हम लोगों ने खा लिया खाना, और जब कैसा लगा खाना? बहुत मज़े का, चल जल्दी से बताओ कैसा लगा खाने का, रिव्यू आप ही देखिए। बहुत मज़े का, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का, और जो थी पिज़्ज़ा फ्राइज वो आउटस्टैंडिंग थी, बहुत भाई इनका सब कुछ बहुत अच्छा था, चिकन और बारबेक्यू जो था पूरा बहुत अच्छा था, मतलब मुँह में लगते ही घुलता था, ख़त्म हो रहा था। तो बस इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं, आप सबकी पसंद आएगा लाइक करें कमेंट करें, चैनल चैनल मतलब कि सब्सक्राइब करें, तब तक भी आ